नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारा चैनल हर सप्ताह निशुल्क ज्योतिषीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराता है। अपनी फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वाले लोगों का नवंबर 2018 का तीसरा सप्ताह कैसा जाएगा? दोस्तों, हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतरीन हो रही है। 15 तारीख को चंद्रमा मकर राशि से आपके 10वें भाव से ट्रेवल करेंगे। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रहेगा जिसके स्वामी ग्रह मंगल देव हैं। आपकी राशि के स्वामी ग्रह भी मंगल देव हैं। 15 तारीख का दिन आपके लिए बहुत भागदौड़ से भरा रहेगा। आप अपने काम के लिए बहुत सीरियस रहेंगे। सुबह से ही आपको अपने काम की चिंता सता सकती है। आप बहुत अधिक मेहनत करेंगे और मेहनत से ज्यादा फल भी आपको प्राप्त होंगे। इस दिन भाग्य का अच्छा खासा साथ आपको मिलेगा। आपको धन लाभ होने का पूरा पूरा योग है। अपने कार्यस्थल पर धन का निवेश आप इस दिन कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की चिंता भी आपको सताएगी। आप अपने घर के पुराने रुके हुए कामों को भी निपटाएंगे। इस दिन आपको अपने कार्यस्थल पर किसी के साथ बहस करने से बचना चाहिए। 16 व 17 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि से आपके 11वें भाव से लाभ स्थान से ट्रेवल करेंगे। 16 तारीख को सतबीसा नामक नक्षत्र रहेगा जिसका स्वामी राहु है। सब कुछ पा लेने की चाहत आपके मन में इस दिन पैदा हो सकती है। इस दिन आप शॉर्टकट ले सकते हैं। आपको अपने काम के लिए रिस्क लेने से बचना चाहिए। धन संबंधी मामलों में लेन देन करते समय थोड़ी सावधानी जरूर रखें। अपने कारोबार से आपको फायदा जरूर होगा। इस दिन आपको धन का लाभ होना तय है। 17 तारीख को आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। 17 तारीख को पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र रहेगा जिसका स्वामी ग्रह गुरु है। गुरु के प्रभाव से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके काम की तारीफ इस दिन की जाएगी। इस दिन आपसे लोग प्रभावित होंगे। आपके काम इस दिन जरूर बनेंगे। बड़े से बड़े रुके हुए काम भी आपके इस दिन बन सकते हैं। अपनी जॉब में प्रमोशन हो सकती है। इस दिन आपको कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। अपने मित्रों का अच्छा खासा साथ मिलेगा। धन दौलत भी प्राप्त होगी। आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा। अपनी संतान के बारे में भी आप सोच सकते हैं। अपनी संतान के साथ भी आप समय बिताना पसंद करेंगे। 18 तारीख को आप किसी की मदद करने को तैयार हो सकते हैं। इस दिन आप इमोशनल भी हो सकते हैं। धन संबंधी मामलों में आपके खर्च इस दिन बढ़ सकते हैं। 18 तारीख शाम के समय में आप अकेलापन महसूस करेंगे। पुरानी यादें आपको घेर सकती हैं। मन में कुछ चिंताएं बन सकती हैं। अधिक मेहनत करने के बारे में आप सोच सकते हैं। 18 तारीख की शाम को उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र रहेगा जिसका स्वामी शनि है, जिसके प्रभाव से परिवार वालों से थोड़ी दूरी आपकी बन सकती है। आपस में मतभेद भी हो सकते हैं। 19 तारीख दिन के समय तक उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र रहेगा जिसकी वजह से आपके कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन 19 तारीख शाम के समय में रेवती नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध देव हैं। खर्चों में कमी आएगी। व्यापार आपका सामान्य रहेगा। इस समय में आप अपनी तेज बुद्धि से बड़े काम को निकलवाने में सक्षम होंगे। इस समय में आपकी सोच बढ़ सकती है। आपको अपने काम की चिंता सता सकती है। 20 तारीख को किसी भी तरह के बदलाव के बारे में ना सोचें। अपने व्यापार के लिए आप धन का निवेश बिल्कुल भी ना करें। अपने कारोबार के लिए किसी भी तरह का रिस्क ना लें। इस दिन आपकी रणनीति बदल सकती है। आपके स्वभाव में जल्दबाजी देखी जा सकती है। आपको जल्दबाजी करने से भी बचना चाहिए। कोई व्यक्ति 20 तारीख की शाम को आपको धोखा देने का प्रयास भी कर सकता है। आपको संभल कर चलना चाहिए। 21 तारीख का दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। आपका कारोबार तेज गति से चलने लगेगा। मंदे की स्थिति समाप्त होगी। इस दिन आपको अपने व्यापार से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। अपने शरीर में भी आप जोश और ताकत को महसूस करेंगे। नए नए लोगों से भी मिलना जुलना होगा। आपकी सोच भी सकारात्मक रहेगी। आपके मित्रों का साथ आपको इस दिन अच्छा लगेगा। लव लाइफ बहुत बेहतर बनेगी। आपस का प्यार और विश्वास बढ़ेगा। नए रिश्ते भी आपके इस दिन बन सकते हैं। आपको अपने नए मित्रों का साथ बहुत अच्छा लगेगा। घूमने फिरने के प्रोग्राम भी बन सकते हैं। मैरिड लाइफ में कई तरह की खुशियां आएंगी। घर परिवार के लोगों का साथ भी आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिन बहुत शुभ है। अपने कामों में आपको सफलता मिलेगी। स्कूल व कॉलेज कैंपस में आपका मन लगा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए नवंबर माह का तीसरा सप्ताह कई तरह की खुशियां लेकर आएगा। यह सप्ताह आपके लिए काफी भाग्यशाली है, काफी लकी है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।
अपनी फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना टाइम जरूर लें। धन्यवाद।